रियासत का बंटवारा। रियासत शब्द तो आप ठीक से लिख नहीं सकते और आपको रियासत का बंटवारा चाहिए। शर्म नहीं आती आपको अपने अब्बा हुजूर से आंख मिलाकर आप रियासत का बंटवारा मांग रहे हैं? तो ठीक है, हम अपनी आंख दूसरी तरफ करके मांगते हैं। अब्बा हुजूर, हमें हमारा हक चाहिए, हमें रियासत का बंटवारा चाहिए। क्या हम जान सकते हैं कि आप किस हक से रियासत का बंटवारा मांग रहे हैं? क्या आप हमारे अब्बा हुजूर नहीं है? क्या हम आपकी इकलौती औलाद नहीं है? क्या आपने हमें जन्म नहीं दिया? हाँ, हो गई गलती, हमसे एक गलती हो गई, बार बार उसको गिनाकर क्या फायदा होने वाला है? गलती हो गई तो हो गई। हाँ, तो गलती की है तो भुगतनी भी पड़ेगी। हमें रियासत का बंटवारा चाहिए। ये हमारी रियासत है, कोई ताश के पत्ते नहीं है जो यूं बट जाएंगे। हर चीज बट सकती है जहां बना लो। हाँ जरूर, दरबान जरा इसके कान के नीचे खींच के दो। लो जहां बना, हम तो पत्ते खींचने को कह रहे हैं। अब्बा हुजूर, ये हमारा सबसे अजीज दोस्त है, वकार खान। ओहो, तो ये है मक्कार खान। हमारा मतलब है वकार खान। आप अपने घर खानदान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? अरे जापना, आपने हमें पहचाना नहीं? हम सलीम के बचपन के दोस्त हैं, याद आया? सलीम के बचपन के दोस्त? हाँ अब्बा हुजूर, ये वही हमारा दोस्त है जिसके पीछे आपने अपने शाही कुत्ते दौड़ाए थे। वाओ वाओ वाओ। ओहो, वो कमीना बच्चा। नहीं, शक्ल इतनी बदल गई है ना आपकी, पहले भी कुछ खास थी नहीं लेकिन अब तो माशाल्लाह। अब्बा हुजूर, आपको तो बस हर चीज गलत ही लगती है क्योंकि आप खुद ही गलत हो। ये है हमारा सच्चा दोस्त, सबसे सच्चा दोस्त। बस हमें हमारा हक चाहिए। और अगर हमने नहीं दिया तो हम खुदकुशी कर लेंगे। हाँ ये सही है, गला काट लेंगे अपना। हाँ ये ठीक है, जान दे देंगे अपनी। बहुत बढ़िया, हम कभी लौट के नहीं आएंगे। ये सही होगा, फिर अम्मी जान आपको मारेगी। ये गलत है। तखलिया। आओ आओ वकार, बैठो। तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। आज तुम्हारी वजह से हमें वो मिला है जो हमेशा से हमारा था। मांगो, तुम्हें जो चाहिए मांगो, जो चाहिए। तुम मुझे सच्चा दोस्त समझते हो? तो ठीक है, तुम मुझे अपनी सल्तनत में राजा का पंजा बना दो। ठीक है, हम तुम्हें अपनी सल्तनत में राजा का पंजा बनाते हैं। क्या शहजादे सलीम ने ऐसा कहा? वो अपनी जान देना चाहता है, हमारा इकलौता बेटा। हम जानते हैं, हमने कई दिनों से उसे काला टीका नहीं लगाया ना, किसी की बुरी नजर जरूर लगी होगी। अरे किसी और की क्यों, खुद ही को आईने में देख लिया होगा उसने। क्या? अरे जहां बना, उसे ऐसे ख्याल कभी नहीं आया कि अपनी जान दे देगा वो। हाँ लेकिन हमारी जान लेने का ख्याल तो कई बार आया है, अब अचानक उन्हें बंटवारा चाहिए, रियासत में बंटवारा, वरना अपनी जान दे देंगे। अरे बंटवारा ही चाहिए ना, तो कौन सी बड़ी बात है? आपकी तो यूं इतनी बड़ी रियासत है, 80% दे दीजिए उसे, दे दीजिए। साहिबा, ये हमारी रियासत है, कोई आपका आधा प्यार नहीं है जो 80% उन्हें दे दे। बीरबल, अच्छा हुआ आप आ गए, आप जरा समझाइए इन्हें। जापन, हमने सब सुन लिया, कर दीजिए बंटवारा। बीरबल, आप भी रानी साहिबा की तरफदारी कर रहे हैं? हम तो सिर्फ समझदारी की तरफदारी कर रहे हैं। इस वक्त शहजादे सलीम के सर पे बंटवारे का भूत सवार है, अगर आपने मना कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता,
हम अपनी रियासत का बंटवारा नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। ये सब महाभारत आपकी वजह से शुरू हुआ है। हमारी वजह से सिर्फ सलीम हुआ है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जापाना, हम आपसे वादा करते हैं, हम बंटवारा नहीं होने देंगे। आप बंटवारा कर दीजिए। क्या? फिलहाल के लिए बंटवारे के लिए हाँ कह दीजिए। हम पे भरोसा रखिए जापाना। आओ बैठो। आइए आइए आइए, एक हस्ती खेलती रियासत के बंटवारे की चाहत रखने वाले, आइए, आपका स्वागत है। बताइए सलीम, क्या चाहिए आपको? हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक की रियासत चाहिए, बाकी सब आप रख लेना। बाकी सब रखने के लिए हमारे पास बचेगा क्या? मुझे पता है, गोपी, पिताजी और मैं। चुप रहे बेवकूफ। ठीक है अब्बा हुजूर, हम आपका दिल रख लेते हैं, आप बीच में दिल्ली रख लेना। गुस्ताख, रख लेना से आपका क्या मतलब है? खैरात दे रहे हैं आप हमें। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बादशाह सलामत, और आप भी शहजादे सलीम शांत हो जाइए। हमारा मतलब है जापना सलीम, आप भी शांत हो जाइए। वैसे आप जो मांग रहे हैं वो 90%, पर आपने तो कहा था कि आपको सिर्फ 50% चाहिए। आप मगर अब दिल मांगे और ये बताइए कि राज्य में सैनिक कितने हैं? यही कुल मिलाकर 1,40,000। हाँ तो ठीक है, 40,000 आप रख लेना और 1,00,000 हम रख लेंगे। 1,00,000 ना दे दें आपको? अब मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप जो चाहेंगे जापना सलीम आपको दे दिया जाए। लेकिन क्या है, बंटवारा है, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। कुछ दस्तावेज बनाने पड़ेंगे और दस्तावेज बनाने में कुछ वक्त तो लग जाएगा। जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं, आपका हिस्सा आपका। बहुत खूब, चलो दोस्त, हम अपने कक्ष में जाकर चौसर खेलते हैं। चलो। अरे वकार मियां, कहां चौसर खेलने जा रहे हैं? आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। हाँ तो हम अकेले ही हैं, कहिए। वकार मियां, क्या है कि उर्वशी आपसे अकेले में मिलना चाहती हैं। हमसे अकेले में? अरे वकार मियां, क्या वकार मियां, एक उर्वशी है कि आपसे मिलने के लिए बावली हुई जा रही है, और एक आप है कि शहजादे सलीम के साथ चौसर खेलने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि आप निकल लो उर्वशी के पास, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। अरे सोच क्या रहे हैं वकार मियां, उर्वशी शाही बगीचे में बिल्कुल अकेली। हम अभी जाते हैं। उर्वशी, आपने हमें याद किया? छोड़िए, ताश के पत्ते नहीं, हमें यूं पीछे से डराना छोड़िए। वैसे आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? करीब आइए ना। आइए। आज ना। आज? आज ना। आज क्या? आज ना कीचड़ में कमल खिला है। अरे कीचड़ में कमल, इसका क्या मतलब है? अरे वाह उर्वशी, कहीं आप इस महल को कीचड़ और हमें कमल तो नहीं समझ रही है? ये वकार कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई। शहजादे, अरे वकार कहाँ रह गए थे, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस यूं ही घूम रहे थे शहजादे। चलो चौसर खेलते हैं। हाँ चलो। नहीं, ये तो उर्वशी की खुशबू है, मतलब उर्वशी के एतर की।
क्या तुम उर्वशी से मिलके आ रहे हो? हाँ, दरअसल उसी ने हमें बुलाया था। उर्वशी ने तुम्हें बुलाया? अगर उसने बुलाया तो कुछ कहा तुमसे? हाँ, उसने कहा कि कीचड़ में कमल खिला है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हमारी समझ में सब कुछ आ गया है। तुम भी हमें औरों की तरह बेवकूफ समझ रहे हो ना? हमें सच सच बताओ कि उर्वशी ने क्या कहा तुमसे? सच कह रहे हैं शहजादे, बस इतना कहा और वो भाग गई। अच्छा, भाग गई? ऐसे तो तुम हमारे दोस्त हो वकार, लेकिन न जाने क्यों हमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्सा थूक दो शहजादे, गुस्सा थूक दो, अंडे की तरह उबलना बंद कर दो। आप हमारे मित्र हो, मित्र शहजादे हो आप, शाही खून है आप, शाही खून। आओ चौसर खेलते हैं। हाँ चलो चलो।